बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप तमाम फ्रेंड खैरियत से होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे बाय एसएमएस अपना रिजल्ट चेक करना है एक कोड के जरिए। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट वाले दिन जो है इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जिसकी वजह से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है अपने रिजल्ट को चेक करने के हवाले से। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी रिजल्ट को चेक करने की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप 30 सेकंड में अपने मोबाइल के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। तो वीडियो को एक लाइक लाजमी तौर पे करें और वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में भी लाजमी तौर पे शेयर करें। तो डियर फ्रेंड, यहां पर आपको जो है कोड्स नज़र आ रहे हैं, सिंपली आपने जो है इन कोड्स पर अपना रोल नंबर लिख के सेंड करना है, तो आपका आपका रिजल्ट जो है 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। मैं तमाम बोर्ड्स का जो है कोड बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद बोर्ड की। तो डियर स्टूडेंट, फैसलाबाद बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए आपने जो है 800240 पर अपना रोल नंबर लिख के सेंड करना है। इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी आपका रिजल्ट मिल जाएगा फौरी 30 सेकंड के अंदर अंदर। इसके बाद बात करते हैं कि लाहौर बोर्ड वालों ने कैसे अपना रिजल्ट चेक करना है। तो डियर फ्रेंड, लाहौर बोर्ड वालों ने अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आपने 800291 पे अपना रोल नंबर लिख के सेंड करना है। इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि सहीवाल बोर्ड वालों ने कैसे अपना रिजल्ट चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट, सहीवाल बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए आपने 800292 पर अपना रोल नंबर लिख के सेंड करना है। इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि सरगोदा बोर्ड वालों ने कैसे चेक करना है। तो सरगोदा बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए आपने जो 800290 पर अपना रोल नंबर लिख के सेंड करना है, तो फौरी तौर पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद डीजी खां बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए आपने 800295 पर अपना रोल नंबर लिख के सेंड कर देना है, आपको फौरी तौर पर आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद बहावलपुर बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए आपने 800298 पर अपना रोल नंबर लिख के सेंड करना है। इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद गुजरावाला बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए आपने 800299 पर अपना रोल नंबर लिख के सेंड करना है, फौरी तौर पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। रावलपिंडी बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए आपने 800296 पर अपना रोल नंबर लिख के सेंड करना है, फौरी तौर पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद मुल्तान बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए आपने 800293 पे अपना रोल नंबर लिख के सेंड करना है, फौरी तौर पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो पंजाब बोर्ड का रिजल्ट है इंटरमीडिएट का, वो 30 सितंबर को अनाउंस होगा। इसके अलावा जो पंजाब बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर को अनाउंस होगा, ठीक है। तो इन कोर्ट के जरिए जो है आप अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं, चाहे आप 9th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप 10th के हैं, चाहे 11th के हैं, चाहे आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप जो इन कोर्ट्स के जरिए अपना जो है इन कोर्ट्स पर अपना रोल नंबर लिख के सेंड करके अपना जो है रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में लाजमी तौर पर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से वीडियोस को देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप मेरे चैनल पर जाकर जो है पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से वीडियोज़ को देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इनसे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी की पेपर प्रेजेंटेशन, इसके अलावा इंग्लिश की और उर्दू की तमाम सब्जेक्ट्स की मौजूद है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में लाजमी तौर पर शेयर करें।